नर्मदेहार मित्रों, माँ नर्मदेश्वर शिवलिंग से मेष्णु केवट ग्राम बकाओ जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। यह देखिए, ये सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग एवं नर्मदा जी के पत्थर से निर्मित मधु कलर में यह सभी जलाधारी एवं अखंड शिवलिंग। यह देखिए, इसमें शिवलिंग एवं जलाधारी दोनों एक ही पत्थर से बनाए हुए हैं। यह भी देखिए, दोनों का अलग अलग डिजाइन है। उसे डमरू आकार में जलाधारी उसका होता है, इसमें फ्लैट जमीन से के सतह से चिपका हुआ जलाधारी होता है, इसको प्लेट अखंड बोलते, इसको डमरू अखंड बोलते। इसके पश्चात यह देखिए, यह अलग अलग है। इसमें जलाधारी प्लेट वाला है और शिवलिंग अलग से रखा हुआ है। देखिए किस प्रकार से कितना सुंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है, जिसमें गोल शिवलिंग के अंदर शिवलिंग की आकृति बनी हुई है। इसके पश्चात इसमें यह अखंड देखिए, यह करीबन 33 इंच का अखंड है, जिसमें शिवलिंग के अंदर खुद हमने कार्विंग करके तिलक की आकृति भी बनाई है। यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके पश्चात यह प्लेट में अखंड, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके पश्चात यह जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग एवं नर्मदा पत्थर की जलाधारी, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे नर्मदेश्वर शिवलिंग अधिकतर आपको 90% मंदिरों में नहीं मिलता है, 10 ही% मंदिरों में मिलेगा ऐसे शिवलिंग एवं जलाधारी, क्योंकि यह जलाधारी काफ़ी महंगी होती है। इसलिए कोई ही व्यक्ति जो रहते हैं, जो बहुत ही जिनको कम बहुत जानकारी, जिनकी इसकी विशेष जानकारी रहती है, वही इनको लेते हैं। यह देखिए, यह इसमें भी धारिया गोल गोल जनेऊ एवं शिवलिंग के अंदर शिवलिंग बना हुआ है। यह देखिए जनेऊधारी शिवलिंग कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अद्भुत। इस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग आप घर में या मंदिर में प्राप्त करना के लिए चाहते हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। नर्मदेहार मित्रों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।